हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरडी गुड लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। आपको ज़रूर ये देख के लग रहा होगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा फेस आपको क्लियर आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट काफ़ी अंधेरा है, रात का समय है। सो द रीज़न इज़ कि मैंने ये इसलिए बनाया सो दैट आई कैन शो यू गाइज कि गाड़ी में मैंने क्या चीज़ें लगाई और गाड़ी कितनी रॉ थी, उसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराए। सो इस वीडियो को एंड तक आप देखना तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या लगेगा एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर मैंडेटरी, लाइक म्यूजिक सिस्टम मैंने कम्प्लीटली मॉडिफाई कराया है, उसका कितना कॉस्ट आया है, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, मेरा प्रेफरेंस कैसा है, आपका प्रेफरेंस कैसा है, अगर आपका प्रेफरेंस ऐसा है तो वो आप कितने में करा सकते हो, क्या करा सकते हो, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो भाई, बात ऐसी है कि ये जो गाड़ी है बुलेरो नियो, लेट्स इन N4, N8 और N10, ये जितनी भी आपके मॉडल हैं बुलेरो नियो के, उन सब में आपको म्यूजिक सिस्टम, सो N4 में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है, स्पीकर्स नहीं मिलते, पूरी ही गाड़ी मतलब म्यूजिक सिस्टम में खाली मिलती है, इंटीरियर में भी ऐसा कुछ होता नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं N8 की, जो मॉडल मेरे पास है बुलेरो नियो N8 का, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मैनुअल मिलता है जिसमें देर इज़ नो डिस्प्ले, ऐसा कुछ डिस्प्ले या ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीकर्स की अगर मैं क्वालिटी बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा, लोग हैं जिनको सिर्फ स्पीकर सुनने के लिए चाहिए कि हाँ हल्की फुल्की साउंड आए और आप उसको एंजॉय कर सकें, हल्का फुल्का गाना बजे, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप म्यूजिक लवर हैं या फिर अगर आपको लगता है कि यार आपने 12, 11.5, 12, 13 लाख की गाड़ी खरीदी है तो आपको एटलीस्ट म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए, देन इस गाड़ी में आपको काम फॉर श्योर कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो मिलता है वो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। सो जब मैंने गाड़ी ये ली तो इस गाड़ी में मुझे एज एन आई एम अ म्यूजिक लवर, मुझे गाड़ी का जो बेस है और गाड़ी का साउंड है, गाड़ी का इंटीरियर है, वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच चाहिए होता है, बट एज इन मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ एंड उसका कॉस्ट बताता हूँ कि अगर आप बहुत कम से कम प्राइस में एक अच्छा गाड़ी का एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक या फिर फील वाइज लुक वाइज, तो वो आपको कितने में पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका जो ये मैंने सिस्टम लगा रखा है ये यूनो मिंडा का है, जिसकी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है एंड 32 GB 2 GB वेरियंट है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस मिलता है, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा था 11,500 रुपये। और इसको मैं आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ। सो ये जो सिस्टम है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो जेड लिंक वाला जो ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करते हो और अपने मोबाइल पे, आप जैसे मेरे पास आईफोन है, मैं नॉर्मली एप्पल कारप्ले पे क्लिक करता हूँ, ये कनेक्ट हो जाता है और वायरलेसली एप्पल कारप्ले भी चलाता है, जिसमें मुझे कोई इशू नहीं आया आज तक, सॉर्टेड चल रहा है, मैप और सारी चीज़ें चल रही हैं। सो ये मुझे पड़ा था 11,500 रुपये का, जिसकी टच रिस्पॉन्स इसका बहुत प्यारा है, इसमें आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी आपको इसमें, जैसे आपको ये देख लो, आपको म्यूजिक इक्वलाइजर मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें इसमें वो कर सकते हो, म्यूजिक का सारी चीज़ सेट कर सकते हो कि आपको ट्रेम्बल बेस कैसा चाहिए, आपको इसमें YouTube प्लस सबसे मेन प्ले स्टोर मिल जाता है, तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, चला सकते हो, कार है या फिर Amazon Prime है, Amazon म्यूजिक है, सारी चीज़ें इसमें आपकी वर्क करेंगी एंड ये कैलिब्रेट हो जाता है आपका बुलेरो नियो N8 के जो आपके स्टेयरिंग माउंट के साथ कंट्रोल मिलता है उसके साथ भी ये कैलिब्रेट हो जाता है। सो अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई है, अराउंड 5-6 महीने हो चुके हैं, बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं काफ़ी ट्रिप पे भी गया लाइक मनाली, आगरा, कानपुर साइड, तो वहाँ पे भी ये बहुत स्मूथ चला था, मुझे इस पर कुछ इशू नहीं आया। सो दिस कॉस्टेड मी 11,500 रुपये, जिसकी 2 साल की वारंटी है। अब मैं करता हूँ स्पीकर्स की बात, तो आगे जो इसके लगे हुए हैं स्पीकर्स, वो लगे हैं इसके कॉम्पोनेंट इन्फिनिटी के, जिसके ट्विटर की जो प्लेसिंग है वो आपको दिख सकती है यहाँ पे है, एंड सेम वही ट्विटर की प्लेसिंग वहाँ पे भी है, और पीछे साइड के जो डोर है उस पर लगा हुआ है, उसमें ये कोएक्सल स्पीकर्स हैं, ये आगे वाले कंपोनेंट हैं, और इसके साथ साथ इसके नीचे मैंने लगा रखा है, सो इसके साथ मैंने लगा रखा है एल्पाइन का अल्फा सीरीज का अंडर सीट सबवूफर।
सो अभी आपने देखा कि जो मैंने इसमें अंडरस्वीट सबवूफर इंस्टॉल कराया है वो मुझे करीब 7,500 का पड़ा। म्यूजिक सिस्टम जो ये स्टीरियो जो है एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले ये मुझे 11,500 का पड़ा। आपका ये दोनों चीजें पड़ गई 19,000 रुपए की। अब जो आगे के कंपोनेंट है उसका मुझे कॉस्ट लगा अराउंड 5,000 एंड पीछे वाले का कॉस्ट मुझे लगा 4,000। सो ये जो मुझे टोटल बैठा वो बैठा 28,000 रुपीज का कंप्लीट म्यूजिक का सिस्टम, जो कि मैं बोलूंगा कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बट हाँ मेरा जो चॉइस है, मेरा जो प्रेफरेंस है उसको ये मीट करता है। और इसका मैं आपको आवाज भी सुनाता हूँ। सो इसके लिए आप डेफिनेटली अपने ईयरफोन्स या ईयरबड्स अपने लगा लेना, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल साउंड इसका समझ में आएगा कि कैसा है। सो ये था इसका साउंड का, जिसका मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है एंड आई एम हैप्पी। रॉ जो था इसके साथ, जो एक गाड़ी के साथ आया था स्पीकर, उसकी तो खैर बहुत पैथेटिक आवाज़ थी, बहुत ही पैथेटिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया थी यार। इसीलिए द डे आई बॉट दिस कार, सेम डे मैंने ये सारा काम कराया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि इंटीरियर पे मैंने और क्या काम कराया, जिससे एक मुझे अच्छा एनवायरनमेंट और मिल जाता है। सो वो है इसकी एम्बियंट लाइटिंग और इसकी एटमॉस्फेयर लाइट, जिसके जिसका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत प्यारा लगता है और गाड़ी में मतलब वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली चीज है। सो ये है एटमॉस्फेयर लाइट इसकी नीचे वाली, जो कि पीछे भी इंस्टॉल्ड है, आगे भी इंस्टॉल्ड है, आप देख ही सकते हैं। और ये है इसकी एम्बियंट लाइट, जिसका दोनों का कंट्रोल मुझे एक रिमोट से मिला हुआ है एंड दिस इज द रिमोट, जिससे मैं अपने इधर का भी कलर चेंज कर सकता हूँ एंड इधर का भी कलर चेंज कर सकता हूँ। दोनों साइड के कलर का मुझे एक ही साइड से मिल जाता है, जिससे मैं दोनों साइड के कलर प्रॉपरली चेंज कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजल, विदाउट एनी इशू। सो ये जो मुझे ऊपर वाली जो ये लाइट आपको दिख रही है एम्बियंट लाइट, इसका मुझे कॉस्ट पड़ा था 2500 और नीचे वाली एटमॉस्फेयर लाइट का मुझे कॉस्ट पड़ा था अराउंड 800-900। और लुक वाइज दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, रियलिटी में अगर आप देखोगे तो लिटरली मजा आ जाता है, लगता है कि यार पैसा खर्च किया है तो ये वर्थ है। तो मुझे ये चीज़ें एंड म्यूजिक सिस्टम ये मुझे अराउंड 30,000 का कॉस्ट हुआ, बट मुझे जिस टाइम से मैंने लिया अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ स्टेबल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। म्यूजिक का भी, चाहे वीडियोज़ हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग प्लेज रियली नाइसली। अब आप देख सकते हो कि YouTube में भी यू कैन प्ले एनीथिंग। सो यहाँ से आपको सारे YouTube के वीडियोस मिल जाते हैं। वाईफाई कनेक्शन थोड़ा स्लो है इसलिए भी ये तब प्रॉपरली नहीं चल रहा है, नहीं तो यहाँ से यू कैन प्ले एनीथिंग। सो यही था, यही था मेरा वीडियो अभी का, जिसमें मैं चाहता था कि क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे एंड मैं किसी को भी नहीं चाहता कि मेरे जितने भी भाई हैं जो अपना वैल्यूएबल टाइम खर्चा करके स्पेंड करके मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको कुछ उस चीज़ में आंसर दूं। तो ये था मेरे साइड का आंसर कि भाई क्या कॉस्ट लगा है, कितना खर्चा आया है, मिनिमम ये मतलब मिनिमम कॉस्ट है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भाई तुम्हारा बिल्कुल मोनेटाइज YouTube मोनेटाइज होने वाला है आपका, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका है। सो जस्ट कीप लविंग माई वीडियो लाइक दिस। भारत माता की जय। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।